बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कर रहे हैं। द मॉडर्न टेबल इज़ बेस्ड ऑन मेंडलीव्स टेबल। इसकी बुनियाद जो है मेंडलीव्स टेबल के ऊपर है, एक्सेप्ट सवाए इसके द मॉडर्न टेबल अरेंजेस द एलिमेंट्स बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। सिर्फ ये फ़र्क है कि जो मॉडर्न टेबल है वो एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के हिसाब से तरतीब देता है, और जो मेंडलीव्स टेबल था उसमें एटॉमिक मास के बुनियाद पर एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था। पीरियोडिसिटी बाय डेफिनेशन है रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स, मुअय्यन वक्फे के बाद खुसूसियात की दोहराई। तो प्यारे बच्चों, कुरान मजीद जो है वो एक बड़ी बाबरकत किताब है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने नाजिल की, और अल्लाह के नबी हमारे प्यारे नबी हैं, हम उन पे ईमान लाते हैं। तो अल्लाह के नबी ने ये कहा है कि हम इस पर गौर व फिक्र करें, तो हमें इसे तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी। एटॉमिक नंबर एलिमेंट की बुनियादी खसूसियत है। इट इंक्रीज़ रेगुलरली फ्राम एलिमेंट टू एलिमेंट। एटॉमिक नंबर बाकायदगी से एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक बढ़ता है। इट इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट। ये हर एलिमेंट के लिए एटॉमिक नंबर मुख्तस है, मखसूस है, कोई दूसरा एटॉमिक नंबर नहीं ये कर सकता। पीरियोडिसिटी डेफिनेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कॉन्टेक्स्ट में पीरियोडिक टेबल जो है उसके हिसाब से पीरियोडिसिटी रेफर्स टू ट्रेंड्स और रिकरिंग वेरिएशंस इन एलिमेंट प्रॉपर्टीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट नाइन्थ एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज द फर्स्ट एलिमेंट। इस बात का मुशाहिदा किया गया कि हर आठवें अंसर के बाद नवें अंसर की खसूसियात बदल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज एज लिथियम। मिसाल के तौर पर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है उसकी खसूसियात लिथियम से मिलती है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। आफ्टर एटॉमिक नंबर 18 एवरी 19th एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। एटॉमिक नंबर 18 के बाद हर 19वां आंसर ऐसा ही रवैया दिखा रहा था। जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहते हैं पीरियोडिक टेबल में। द एलिमेंट्स इन अ पीरियड हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। उफ की किताब में नासर का एटॉमिक नंबर मुसलसल तब्दील होता है। सो द लॉन्ग रोज ऑफ एलिमेंट्स वर कट इनटू रोज ऑफ 8 and 18 एलिमेंट्स एंड प्लेस वन अबव द अदर। अनासर की लंबी कतारों को 8 और 18 अनासर की कतार में काट कर एक दूसरे के ऊपर रखा गया, इस तरह मूदी और उफकी कतार वाला टेबल बना। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको फैमिलीज और ग्रुप्स कहते हैं। दीज ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एज 1 to 18। ये ग्रुप लेफ्ट से राइट 1 से 18 तक नंबर रखते हैं। द एलिमेंट्स इन अ ग्रुप डोंट हैव कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स। इन ग्रुप के अनासर के एटॉमिक नंबर मुसलसल नहीं बढ़ते। रादर द एटॉमिक नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इंक्रीज विद इररेगुलर गैप्स। बल्कि ग्रुप अनासर के एटॉमिक नंबर बेकायदा वक्फे से बढ़ते हैं। बट द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। एक ग्रुप के अनासर की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है, यानी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर वैलेंस शेल। उनके वैलेंस शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैव ओनली वन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। पहले ग्रुप अनासर के वैलेंस शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप टू एलिमेंट्स हैव टू इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल्स। ग्रुप टू अनासर के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। आपको पता है कि वैलेंस शेल जो होता है सबसे बाहर वाला शेल होता है किसी भी एटम का। दिस इज़ द रीज़न वाई एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़।
इस वजह से ग्रुप अनासर की कीमियावी खसूसियात एक जैसी होती हैं क्योंकि उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होती है। सेलियंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सेलियंट कहते हैं बहुत अहम, तो हम थोड़े से वो फीचर्स देखेंगे जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अहम हैं। तो सबसे पहला फीचर है, दिस टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। इसकी 7 रोज हैं या कितारें हैं जिनको पीरियड्स कहते हैं। और दूसरा इसका अहम फीचर है, फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स। पहली कितार में सिर्फ 2 अनासर हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ ईच 8 एलिमेंट्स ईच। दूसरी और तीसरी कितार में हर एक में 8 एलिमेंट हैं। आप देख रहे हैं कि रो 2 और रो 3 में हर कितार में 8-8 एलिमेंट्स हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट्स ईच। चौथी और पांचवीं कितार में 18-18 अनासर होते हैं, यानी एक में भी 18 हैं और दूसरी रो में भी फोर्थ और फिफ्थ में 18-18 एलिमेंट्स हैं। सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड्स ईच हैज 32 एलिमेंट्स। सबसे लंबे पीरियड्स हैं सेवन्थ और सिक्स, जिसमें हर एक में 32 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया था इसलिए सिक्स और सेवन्थ को काट के थोड़ा नीचे रखा गया है। एलिमेंट्स ऑफ अ पीरियड शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जो पीरियड्स में डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी फ़र्क होती हैं। अब हम देखते हैं कि एक पीरियोडिक टेबल में देर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल नंबर्ड 1 to 18 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। के 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं, इनको ग्रुप्स कहते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट 18 ग्रुप्स हैं एलिमेंट्स के। द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज, जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज एक ग्रुप की एक जैसी होती हैं। जैसे ग्रुप वन है तो इसमें जितने एलिमेंट आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक ही जैसी होंगी। उसके बाद एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। हमने देखा था कि हर शेल के 4 सब शेल्स होते हैं एस डी पी एफ। उस हिसाब से टेबल के भी 4 ब्लॉक्स हैं डिपेंडिंग अपॉन द सब शेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। उम्मीद है आपको सबक पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें।